आने वाले फेस्टिवल सीजन में ट्रैवल डिमांड को देखते हुए इंडियन रेलवेज 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। इस बात की जानकारी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO VK यादव ने दी है। रेलवे ने फिलहाल सभी सामान्य यात्री ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 22 मार्च से रद्द है। वही दिल्ली को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली 15 विशेष राजधानी ट्रेनों का संचालन 22 मई से है और 1 जून से लंबी दूरी की 100 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था। वही रेलवे 12 सितंबर से 80 अतिरिक्त ट्रेनें भी चला रही है। VK यादव ने कहा, हमने जोन के महाप्रबंधकों के साथ बैठकर निर्देश दिया है कि वो स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करें। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और इसी आधार पर फैसला होगा कि त्योहारी सीजन में कितनी विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। फिलहाल हमारा अनुमान है कि करीब 200 ट्रेनें चलेंगी, लेकिन ये हमारा अनुमान है, संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के मौके पर ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वही रेलवे बोर्ड एक साथ बहुत सारी ट्रेनों की घोषणा करने के बजाय जरूरत के अनुसार हर रोज 2-4 ट्रेनें शुरू कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। VK यादव ने कहा कि इस दौरान भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए भी अभियान चला रही है और स्टेशनों और ट्रेनों में जरूरी जानकारी दी जा रही है। रेलवे स्टेशन के आसपास के गांव के लोगों को भी इस बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि रेलवे राज्य सरकारों की जरूरतों और महामारी के हालात को देखते हुए यात्री सुविधाओं की रोज समीक्षा करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, जहां तक यात्री ट्रेनों की बात है, हम ट्रेनों की जरूरत, यातायात और कोविड-19 के हालात की रोज समीक्षा करेंगे। जहां भी जरूरत होगी हम ट्रेनें चलाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई भी राय या सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।